आज हमारे साथ न्यूज़ और स्टेट्स के खास एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम में एम ए हक साहब हमारे साथ हैं, जो दिल्ली के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आईएएस की तैयारी करवाते हैं और साथ ही चाणक्य आईएएस में भी पढ़ाते हैं और आईआरपीएस से भी जुड़े हुए हैं आपने। सर एक बात बताइए, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बिहार का बच्चे बच्चियाँ रिजल्ट करते हैं, आईएएस आईपीएस क्वालिफाई करते हैं, और झारखंड इससे पीछे क्यों है और दूसरी स्टेट और पीछे बंगाल और पीछे क्यों है, इसका मेन कारण क्या है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि कभी भी बच्चे जो हैं जो सक्सेस रेट हैं वो ज़्यादातर लोग दिल्ली में जा कर के क्लासेस करते हैं। उसका कॉज ये है कि बिहार झारखंड या यूपी या हिंदी बेल्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टीचिंग के मेथड्स हैं, टेक्निक हैं, इवन के जो हमारे टीचर्स भी हैं वो बच्चों को सही रूप से प्रॉपर रूप से गाइड नहीं कर पाते। तो इस वजह से हमारे स्टूडेंट्स जो काफ़ी मेधावी भी हैं, काफ़ी मेहनती भी हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ने के कारण उनका रिजल्ट जो है वो कम हो जाता है। नहीं, बोलने का मतलब मेरा ये कि बिहार का रिजल्ट अच्छा है इंडिया में, झारखंड बंगाल बाकी इस तरह के जो स्टेट है उत्तर, आप क्या बोले मतलब पूर्वी भारत के जो स्टेट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का जो पे है उसमें रिजल्ट क्यों कम होती है? पहली क्वेश्चन ये है, उसके बाद हम ये भाई स्टेट का अच्छा और जानकारी लेंगे। देखिए बिहार या झारखंड या जैसे मैंने पहले भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के जो वहाँ के लोकल निवासी हैं, जो वहाँ रह के तैयारी करते हैं, उसके रिजल्ट निश्चित तौर से इफेक्टेड होते हैं। लेकिन उन लोगों में से जो लोग दिल्ली जाते हैं उनके जो रिजल्ट के जो रेशियोज होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस टाइम भी कहा इस बात को कि वहाँ पर आपको एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विद प्रॉपर गाइड के साथ प्राप्त होता है। ये दिल्ली में होता है, क्योंकि आज का जो सिनेरियो तो कल तक पहले दिल्ली जाके तैयारी करेंगे और अच्छे से होगा, लेकिन जो आज का सिनेरियो है, कोरोना का समय है, कब कोरोना ठीक हो कोई नहीं जानता है, स्कूल की छुट्टियाँ 2021 अप्रैल तक बढ़ाने के फैसले कर रहे सरकार, बिल्कुल इस सिचुएशन में कोई आइडियाज है कि बच्चे जहाँ उसके घर है वहाँ रह के पढ़ाई कर पाए और आईएएस निकाल पाए, कुछ आइडियाज है? बिल्कुल, देखिए आप एक बात ध्यान रखें कि जितने भी दिल्ली में जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब के डायरेक्टर हों, टीचर्स हों, जो भी लोग हों वो सब बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश के हैं। जैसे मैं खुद रांची का हूँ और मैं दिल्ली के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ाता हूँ, चाणक्य आईएएस अकेडमी में 12 वर्षों से पढ़ा रहा था, साथ ही साथ मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, अन अकेडमी के जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन उसमें से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो इसका मेन जो कारण ये है कि हमारे जो भी फैकल्टी हैं वो ज़्यादातर दिल्ली में शिफ्ट हैं, लेकिन कोरोना महामारी के समय एक आप कह सकते हैं कि लोगों के समक्ष बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्या के साथ साथ एक अवसर ये भी है कि हमारे जो फैकल्टी हैं जैसे मैं हूँ वो दिल्ली से रांची आया और मैंने ये निश्चय किया कि अपने क्षेत्र के लोगों को जूम ऐप के थ्रू क्लास जो है ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप अपने घर पे बैठ करके आप दिल्ली वाले जो स्टैंडर्ड हैं उस तरह के स्टैंडर्ड को जानें। चलिए स्टैंडर्ड से एक बात जानना चाहते हैं आपसे कि एक आईएएस बनने के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपने सबसे पहले माइंड को डिटरमिन किया है, माइंड को आपने फाइंड आउट कर लिया है कि नहीं मुझे इस फील्ड में जाना है, तो सबसे फर्स्ट ये होता है। दूसरा है कि आप ईमानदारी के साथ तैयारी करें। तीसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए। गाइडलाइन का मतलब क्या है कि आपके पास पढ़ने के लिए सिलेबस जो है वो अथाह है, अनंत है, लेकिन उनमें से कितने चीज़ों को आपको पढ़ना है ये जानकारी होना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इसमें तो मतलब गाइडेंस में तो गुरु का रोल होता है, आज गुरु पूर्णिमा का दिन भी है और आप भी एक गुरु हैं, तो फिर से एक बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक गुरु कैसे से बताइए, एक शिष्य को क्या क्या करना चाहिए आज बनने के लिए? जैसे हमने पहले भी बताया इस बात को कि आपको एक तो डेडिकेशन होना चाहिए, अपना ईमानदारी के साथ मेहनत होना चाहिए, दूसरा है कि एक प्रॉपर गाइड होना चाहिए। आपका गाइड का मतलब यहाँ पे कोचिंग नहीं होना चाहिए, कोचिंग क्या होता है कोच करता है, लेकिन हम इस बात को लेकर जोड़ देते हैं कि आपका एक मेंटर्स होना चाहिए। मेंटर्स का मतलब ये होता है कि आपको एक सही दिशा बताने के लिए एक सीनियर व्यक्ति जिसको इन सब चीज़ों का अनुभव है,
तो वो आपको ये सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से बता सकता है ताकि आप कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। सर एक बात बताइए, एक सुना गया कि आईएएस पढ़ाई करने के लिए मैक्सिमम बच्चे को बोला जाता है मेंटोर के द्वारा व कोच के द्वारा कि आप 8 सब्जेक्ट का चयन करें, ये फंडा के समझ में नहीं आया। अच्छा सुनो, देखिए आर्ट्स एंड साइंस बोथ आर इक्वल्स, लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के सिलेबस को आप देखते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, उसमें साइंस भी है, उसमें मैथ भी है, उसमें आर्ट्स भी है। अब जैसे आपका क्वेश्चन है कि लोगों को बोला जाता है कि आर्ट्स क्यों रखा जाए, क्योंकि उसमें जो रेशियो आप किसी भी सब्जेक्ट में देखें, फॉर एग्जांपल मैथ एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, लेकिन आर्ट्स के बैकग्राउंड में देखें तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो ओवरऑल जो सब्जेक्ट का रेशियो है उसमें आर्ट्स का रेशियो ज़्यादा होता है, इसीलिए साइंस के स्टूडेंट्स भी आर्ट्स के थ्रू एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं। तो अब मेरा कहना है कि यार मतलब चलिए आर्ट्स प्रीफर करते हैं आज करने के लिए, तो कौन दो सब्जेक्ट है जिसको आप लोग प्रीफर करते हैं इस सब्जेक्ट को लिया जाना चाहिए? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले संघ लोक सेवा आयोग और भी जो UPPSC या और भी जगह पे झारखंड में भी पहले दो ऑप्शन हुआ करते थे, यानी कि दो ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें कि आपको ग्रेजुएशन लेवल का नॉलेज हो, लेकिन 2013 के बाद इसको थोड़ा चेंज किया गया है संघ लोक सेवा आयोग में और अब आपको एक ऑप्शन लेना पड़ता है। अब एक ऑप्शन लेकर तैयारी करना है, ये UPPSC में भी है, बिहार में भी है, झारखंड में ऑप्शनल को हटा दिया गया है। जैसा आपका क्वेश्चन था कि कौन सा ऑप्शन लिया जाए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऐसे ही कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर से बोलेंगे कि मैं लोक सेवक होना चाहता हूँ। तो लोक सेवक होने के लिए अगर हम आपसे पूछें कि कौन सब्जेक्ट पढ़ें या कौन सब्जेक्ट आपको जो है लोक सेवक बनने में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो आप सब कोई कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे लोक प्रशासन, समाज शास्त्र नहीं, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप थ्योरी पढ़ते हैं वही चीज़ जा करके आपको फील्ड में काम करना पड़ता है, तो इससे एक बेनिफिट यह होता है कि एक ऐसा पर्सन जो लोक सेवा में जाना चाह रहा है वो वही सब्जेक्ट पढ़ रहा है लोक सेवा, लोक प्रशासन, और साथ साथ वो वही काम कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आपने सुना होगा एक कहावत कि एक पंथ दो कार, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक पंथ तीन काम, इस तरह किस लिए एक हो गया, हाँ एक तो हो गया सबसे पहले कि आपको वो एक तरह से इनर रूप से आपको आंतरिक रूप से वो आपको प्रेरणा देता है कि लोक सेवक बनना है, दूसरा थ्योरी पढ़ते हैं आप तो उसके बारे में आपको ज्ञान होता है, और तीसरा उसी थ्योरी को जाकर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप बाकी से बेहतर कर लेते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट आप और भी क्वेश्चन की गहराई में जाते रहेंगे। सपोज कोई बच्चा आज के दिन में पढ़ाई करना चाहता है तो उसके आर्थिक सशक्त भी होना चाहिए, जरूरी है क्या? देखिए माना जाता था कि अगर आप सिविल सर्विसेज जैसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम में जाना चाहते हैं तो कई लोग ये मानते हैं कि संपन्न या शहरी या इंग्लिश मीडियम के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, परंतु ये बिल्कुल ही एक बनाया गया, एक गलत रूप से बनाया गया एक माहौल है। आज के डेट में जब आप अपने घर में हैं तो वो चाहे किसी भी परिवार का बच्चा हो, चाहे वो संपन्न हो या संपन्न नहीं हो, वो घर ही में रह करके अपनी तैयारी करेगा, क्योंकि कोरोना काल ऐसे स्थिति में फिर क्या होगा कि हम जो है आपको अगर जूम के थ्रू क्लास दे रहे हैं तो जूम के थ्रू जब क्लास होगा तो आप भी घर में बैठ के पढ़ रहे हैं और आप जो शहरी बच्चा है वो भी पढ़ रहा है, ग्रामीण बच्चा भी पढ़ रहा है, मध्यम वर्ग का बच्चा भी पढ़ रहा है, गरीब बच्चा भी पढ़ रहा है और अमीर बच्चा भी पढ़ रहा है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत किसी को मालूम है नहीं होगा, सर कोई भी भाषा का स्टूडेंट उसी भाषा में एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी स्टूडेंट अपने भाषा को, भाषा का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आपके अंदर के जो ज्ञान है, जो विचार हैं, आप उसको किस भाषा में सरल रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली है कि हर कोई अपनी मातृभाषा को में चीज़ों को ज़्यादा सरलता के साथ प्रस्तुत करता है, और ऐसे सैकड़ों रिकॉर्ड है, मतलब ये धारणा गलत है कि आप इंग्लिश मीडियम से हो तो UPSC निकाल सकते हो, बिल्कुल गलत है। आप हिंदी मीडियम से भी हो या बंगला मीडियम से भी हो या उड़िया मीडियम से भी हो, आप
सिविल सर्विस निकाल सकते, किसी भी मीडियम से। मीडियम जो है वो केवल कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है और मीडियम कभी भी आपके कैरेक्टर को डिसाइड नहीं करता। हम लोग के यहाँ एक थोड़ी सी अवधारणा ये बनी हुई है, क्योंकि लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश बोल सकता है वो बहुत ज्ञानी है। पर कभी भी लैंग्वेज जो ज्ञान का प्रदर्शन नहीं कर सकता। आप सोचें कि बौद्ध गया में जो जितने लोग जो दुकान में बैठते हैं, सामान बेचते हैं, सब इंग्लिश बोलते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि वो सब ज्ञानी हैं, सब शिक्षित हैं, सब हाई क्वालिफाइड हैं? बिल्कुल नहीं। तो ज्ञान जो है वो कभी भाषा के बंधन में नहीं है। ठीक है, एक सवाल और भी है। सपोज आपको मतलब झारखंड का माहौल मिला, आप रहने के लिए भी आए करोना में, तो इस स्टेट के लिए आप क्या करना चाहते हैं? नहीं, जब मैं दिल्ली से झारखंड आया, दिल्ली में जब कोरोना काल में मैं रह रहा था अपने परिवार के साथ, तो बहुत खौफजदा माहौल था कोरोना को लेकर के। जब मैं रांची आया तो मुझे यहाँ पर सुकून मिला, शांति मिला। यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार ने जिस तरह से कोरोना को हैंडल किया वो सैल्यूट के लायक है। तो जब मैं यहाँ पर मेंटली रूप से स्ट्रेस से कम उभर गया, तो मैंने सोचा कि आखिर मैं अपने इतने अनुभव, इतने कार्य जो मैंने इतने लंबे समय तक किया है, इससे अपने होम स्टेट को क्या फ़ायदा करूँ। तो इसी संदर्भ को सोचते हुए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है हॉक स्टडी सर्किल। हॉक का मतलब होता है बाज, और मैंने ये जो शब्द लिया ये डॉक्टर APJ कलाम के जो विचार हैं उनसे लिया, और मेरा जो स्लोगन भी वही है कि अपने सपनों को उड़ान दें। आप जानते हैं कि डॉक्टर कलाम की जो बुक है द विंग्स ऑफ फायर, उसका उद्देश्य यही है। वो बोलते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक आग है और ज़रूरत इस बात को है कि उस आग को एक पंख दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में मैंने भी ये निर्णय किया है कि मैं अपने स्टेट के लोगों को, अपने हिंदी बेल्ट के लोगों के लिए वो उच्च तकनीक, शिक्षा की क्वालिटी सब मैं उपलब्ध कराऊँ यहाँ पर रहकर। तो पहला ब्लूप्रिंट क्या होगा, कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए, पहला हमारा अभी जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि 4 अक्टूबर 2020 को संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा PT का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य ये है कि जो इस PT को कैसे क्वालिफाई किया जाए, इसके लिए हम एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। हमारा एक बैच जो है क्रैश कोर्स का वो चल रहा है, लेकिन फिर भी जो झारखंड के स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं, उसको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में कि कौन कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस अभी उतना पे फोकस कीजिए, PT निकाल लीजिए, और जैसे ही PT निकल जाएगा फिर हम आपके साथ मेंस के लिए जुड़ेंगे, जहाँ पर मैं आपको ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं इंडिया के टॉप मोस्ट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की संस्था है उसके साथ भी एसोसिएट हूँ। तो ऐसे में जो बिल्कुल आप कह सकते हैं अपडेट होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सर, हमारा स्टेट तो गरीब है, झारखंड तो गरीब है, सर आपसे जुड़ने के कुछ फीस भी होंगे, क्या वो दिल्ली की अपेक्षा सेम है, दिल्ली से कम होंगे? नहीं, देखिए, आप जैसे आपने कहा क्वेश्चन कि दिल्ली की अपेक्षा, मैं तो पूरे स्टूडेंट्स चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसीलिए हमारा फी बिल्कुल ही कम से कम मैंने रखा है, और किसी भी स्थिति पर हमने ये डिसाइड किया है कि चाहे वो गरीब बच्चा हो, अमीर बच्चा हो, मध्यम वर्गीय बच्चा हो, सब इसमें जुड़े हैं। ये जस्ट नॉमिनल है, नाम मात्र का फी है। बेसिकली मेरा जो उद्देश्य है इस आज के दिन कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सक्सेस की तरफ ले जाऊँ। चलिए, एक क्वेश्चन है, शुरुआत तो आपने कर दी है, हर स्टडी सर्कल अब तो बताया, उद्देश्य बता दिए, तो शुरुआत तो हो गई है, लेकिन इसके बाद स्टेप क्या होगी? शुरुआत के बाद, देखिए, शुरुआत के बाद आप कैसे आप अपने स्टूडेंट्स और आपके बीच कम्युनिकेशन हो कि आपके पास आए? अच्छा। इसके क्या क्या माध्यम से आप लॉन्च किए, बा एक कम्युनिकेशन क्या माध्यम सर आप दे रहे स्टूडेंट को? हाँ, बिल्कुल। जैसे अभी हमने जो अपना क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, ये बेसिकली अभी उन लोगों को ज़्यादा पता था जो मेरे साथ पिछले 12 वर्षों से जुड़े हुए थे, और उन्होंने अपने स्तर पर, अपने फ्रेंड्स के स्तर पर इसको कम्युनिकेट किया। लेकिन अब जब मैं झारखंड पे आऊँ तो झारखंड में बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते हैं, तो मैं उनके लिए अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा हूँ। जैसे मैं फेसबुक के थ्रू अपने जितने कार्यक्रम हैं वो हम फेसबुक, जो मेरा पेज है हॉक स्टडी सर्किल, उसके थ्रू बताएंगे। साथ ही साथ जो इंस्टाग्राम है उसके थ्रू भी हम आपको बताएंगे, एंड
YouTube चैनल पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जो हमने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे दिया कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर UPSC PTE। इसी तरह से बजट जो 2020 में बजट आया उसका मूल्यांकन, बजट कैसे बनता है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, इसी तरह से आप कह सकते हैं कि जब मैं इथिक्स पढ़ाता हूँ तो इथिक्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें कि स्वामी विवेकानंद हैं, जिसमें डॉक्टर APJ कलाम है, उन सब के वीडियो हमारे यूट्यूब पर हैं, आप जा कर के उसको देख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको करना है MAHQU टाइप कर दें, आप सारे वीडियो देखेंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो है हमारे क्रेस कोर्स में जो करंट अफेयर्स के क्लास चल रहे हैं उनके भी वीडियो जो है हमने वहाँ पर लॉन्च किया है। चलिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना झंडा गाड़ दिया जिसके माध्यम से स्टूडेंट आपको इजीली आपको एक्सेस कर ले। फिजिकली कुछ किए कुछ जगह है जो स्टूडेंट आपसे आके मिले? बिल्कुल, फिजिकली देखिए अभी जिस तरह कुछ नंबर सब लिए फोन कर पाए। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे अभी आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन में जो गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो दोनों ने अपनी पॉलिसी बनाई है कि स्कूल के जो या जो स्टूडेंट है वो सबसे हमारे जो है महत्वपूर्ण, हमारे सबसे अनमोल धरोहर है, हम किसी तरह से उन्हें इस प्रकार के इन्फेक्शन से बचाएं। इसीलिए सारे कोचिंग्स या सारे कोचिंग्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटी को भी बंद रखा गया है। फिर भी मैंने इंक्वायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे दो नंबर हैं जो हमारे हॉक स्टडी सर्किल के वेबसाइट पे हैं, आप उनसे लगातार क्वेरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने जो है आपको क्वेरीज करने के लिए ऑफिस भी रखा है इस चिल रोड में यहाँ पर, और दिल्ली में हमारा ऑफिस जो है मुनिका में 109A में हमारा हेड ऑफिस जो है वो वहाँ पर काम कर रहा है, रीजनल ऑफिस रांची में काम कर रहा है। साथ ही साथ हम आपके जो कई हमारे और भी जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं, प्रभात खबर है, हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है, उन्होंने भी मुझसे समय मांगा है कि आप प्लीज़ हमें बताएं कि आप किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाएंगे या किस तरह से आप के साथ लोग जुड़ें। ये थे हमारे साथ मिस्टर AMAHQ साहब। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने ये थे हमारे साथ AMAHQ साहब। नेक्स्ट एपिसोड में IAS की पढ़ाई कैसे की जाती है उसके बारे में विस्तृत बातें करेंगे। कैमरामैन तन्मय के साथ जय गुरु बनर्जी, न्यूज़ ऑफ स्टेट, प्रोग्राम एडुआईटी, झारखंड रांची।